Hello children, how are you? अच्छे हैं आप लोग? Very good. ये क्या दिख रहा है मेरे हाथ में? चॉक? चॉक का हम क्या उपयोग करते हैं? चॉक का उपयोग लिखने के लिए. कहां पर? बोर्ड पे. अच्छा, ये क्या दिख रहा है मेरे हाथ में आपको? डस्टर? डस्टर का क्या उपयोग है? क्या इस्तेमाल किया जाता है इससे? हाँ, ब्लैक बोर्ड को मिटाने का काम करते हैं. वेरी गुड. ये क्या दिख रहा है आपको मेरे हाथ में? पेन. पेन का क्या उपयोग होता है? पेन का उपयोग लिखने के लिए. बहुत बढ़िया. आपके पास में आपके टेबल पे क्या रखा हुआ है? कॉपी है ना. कॉपी का उपयोग क्या करते हैं आप? लिखने के लिए करते हैं, नोट्स बनाने के लिए करते हैं. और क्या है आपके टेबल पे? बैग रखा हुआ है क्या? बैग का इस्तेमाल किस लिए होता है? बैग का इस्तेमाल सामान रखने के लिए होता है. वेरी गुड. क्या हम इतनी देर से जो हम पूछ रहे हैं आपसे, ये किस चीज के लिए काम आता है, इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? अब ये सारी बातें जो हमने हिंदी में की, इसको हमको इंग्लिश में करना है. ठीक है, पहली बात हमने आपसे पूछा ये क्या है. आपने बताया चौक. चौक का इस्तेमाल आपने क्या बताया? चौक का इस्तेमाल ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए किया जाता है. अब आपको इसको इंग्लिश में बोलना है. आइए देखिए कैसे बोलेंगे. चौक इज यूज्ड फॉर राइटिंग on the blackboard. ठीक है. चॉक इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. फिर मैंने आपसे पूछा डस्टर. आपने बताया डस्टर का उपयोग क्या करते हैं? ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डस्टर इज यूज्ड फॉर cleaning the blackboard. Cleaning the blackboard. फिर मैंने आपसे पूछा पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेन का उपयोग कॉपी में लिखने के लिए किया जाता है. पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग on paper. Writing on the paper. आप वुड पे या ब्लैक बोर्ड पे पेन से तो नहीं लिखते हैं. कॉपी का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? कॉपी इज यूज्ड फॉर मेकिंग नोट्स. कॉपी का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? नोट्स बनाने के लिए करते हैं. करते हैं कि नहीं? सारे बच्चे करते हैं ना कॉपी का इस्तेमाल नोट्स बनाने के लिए. वेरी गुड. हमने फिर बात की बैग का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं. बैग का इस्तेमाल चीजों को रखने के लिए. बैग इज यूज्ड फॉर कीपिंग द थिंग्स. ये एक तरीका हो गया बेटा बताने के लिए कि किस चीज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है. इसको एक तरीके से और बोलते हैं. जैसे चॉक इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. चॉक इज फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. ठीक है, इसमें हमने क्या किया? यूज को हटा दिया है. चॉक इज फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड मतलब वही है. डस्टर इज यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड. डस्टर इज फॉर क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड.
pen is used for writing on the paper? Pen is for writing on the paper. ठीक है? इसके बाद देखिए, copy is used for making notes. कैसे बोलेंगे इस structure में? इस तरीके से अगर आपको बोलना है, copy is for making notes. नोट्स बनाने के लिए होती है. बैग इज फॉर, बैग इज यूज फॉर कीपिंग द थिंग्स. बैग इज फॉर कीपिंग द थिंग्स, चीजों को रखने के लिए. ये दोनों ही तरीके हैं जिससे आप किसी चीज का इस्तेमाल बता सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि ये इज यूज्ड फॉर, ये स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल हमको करना चाहिए. ये भी एक स्ट्रक्चर है, पर ये ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है. बोलते समय इसका हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लिखते समय प्रॉपर जो तरीका होता है वो इज यूज्ड फॉर से ही होता है. मैंने आपको इसलिए बताया, कुछ आपको याद आया? सिक्स क्लास में एक लेसन पढ़ा होगा बच्चों ने, जॉली किटन्स. और एट क्लास में आपने एक पोएम पढ़ी होगी, वॉटर्स फॉर. उसमें इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है. कुछ याद आ रहा है? अभी बताती हूं. पहले एक बार मेरे साथ इन सेंटेंसेस को आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है? एक साथ ध्यान देंगे यहां. चॉक इज यूज्ड फॉर राइटिंग on the blackboard. Once again, chalk is used for, use. इस शब्द से आप परिचित है ना? इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है. चॉक का उपयोग किया जाता है, for का मतलब होता है के लिए. Writing, लिखना, on the blackboard, blackboard पर लिखने के लिए चौक का इस्तेमाल किया जाता है. ये इस वाक्य का अर्थ है. समझ में आया अच्छी तरह से? एक बार बोलेंगे मेरे साथ, चौक इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. ठीक है? नेक्स्ट वन, डस्टर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड. डस्टर इज used for cleaning the blackboard. मतलब क्या हुआ? डस्टर का इस्तेमाल, या आप उसे उपयोग भी कह सकते हैं, डस्टर का उपयोग blackboard को साफ करने के लिए किया जाता है. Pen is used for writing on the paper. Pen is used for राइटिंग ऑन द पेपर. पेन का इस्तेमाल कागज पर लिखने के लिए किया जाता है. ठीक है? कॉपी इज यूज्ड फॉर मेकिंग नोट्स. कॉपी आपको याद आया कि नहीं बेटा? इस शब्द को मैंने बोलना सिखाया था स्टार्टिंग में कि ये कॉपी है. याद आया ना? अब तो आप लोग एकदम एकस्टम्ड हो गए होगे कॉपी बोलने के. कॉपी इज यूज्ड फॉर मेकिंग नोट्स. कॉपी इज यूज्ड फॉर मेकिंग नोट्स. कॉपी का इस्तेमाल नोट्स बनाने के लिए किया जाता है. बैग इज यूज्ड फॉर कीपिंग द थिंग्स. बैग इज यूज्ड फॉर कीपिंग यानी रखना. आप लोग सीख चुके हैं, मालूम है आपको? थिंग्स का मतलब सामान. ठीक है? तो बैग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? चीजों को रखने के लिए किया जाता है. बैग इज यूज्ड फॉर कीपिंग द थिंग्स. समझ में आया अच्छी तरह से? एकदम क्लियर? अब ये जो स्ट्रक्चर आप नीचे देख रहे हैं, जो आपकी किताबों में है, सिक्स सेवेंथ एट की बुक्स में ये स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका बताना जरूरी है. और इसका कंपेयर जो इसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उसके साथ भी करना जरूरी है. तो आप दोनों सीख लीजिए.
ठीक है. चॉक इज फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? चॉक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए होती है. ठीक है, हम यहां इस्तेमाल या उपयोग वाले शब्द को हटा दे रहे हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? चॉक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए होती है. चॉक इज फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. डस्टर इज फॉर क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड, डस्टर ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए होता है, क्लीन करने के लिए होता है. पेन इज फॉर राइटिंग ऑन द पेपर, पेन पेपर पर लिखने के लिए होता है. पेन इज फॉर राइटिंग ऑन द पेपर. कॉपी इज फॉर मेकिंग नोट्स, कॉपी नोट्स बनाने के लिए होती है. समझ में आया अच्छी तरह से? बैग इज फॉर कीपिंग द थिंग्स, बैग किसके लिए होता है? सामान को रखने के लिए होता है. चलिए ये जो नीचे वाला है एक बार फिर मेरे साथ रीड करेंगे. चलिए, चॉक इज फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है. डस्टर इज फॉर फारने, फॉर ओके. डस्टर इज फॉर क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड. पेन इज फॉर राइटिंग ऑन द पेपर. कॉपी इज फॉर मेकिंग नोट्स. बैग इज फॉर कीपिंग द थिंग्स. ठीक है, अब मैं आपको याद दिलाती हूं जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है. हम बात कर रहे थे कक्षा 6 क्लास 6 के लेसन जॉली किटन्स के. जॉली किटन्स याद आया आपको? प्लेट्स किस चीज के लिए थी? जॉली किटन्स बहुत प्लेट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करते रहे, कभी खेले, कभी उस पे तैरे, कभी उसको बारिश से बचने के लिए सिर पे लगा लिया. बाद में उनको पता चला कि प्लेट्स किस लिए होती हैं? खाना रखने के लिए. वहां पे जो वाक्य था उसको लिखते हैं और फिर उसको हम अपने यूज्ड वाले फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, चलिए आइए. प्लेट्स आर फॉर कीपिंग द फूड. ठीक है, यही था ना, याद आया आपको? प्लेट्स आर फॉर कीपिंग द फूड. अब हमको बोलना है प्लेट्स आ, अब इसको यूज्ड वाले उसमें बोलिए. प्लेट्स आर यूज्ड फॉर कीपिंग द फूड. याद आया? एट्थ क्लास में फर्स्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज फॉर, वॉटर इज फॉर ड्रिंकिंग, इसके अलावा वॉशिंग ड्रिंकिंग मेकिंग टी क्लीनिंग द बाथ और स्क्रबिंग मी. याद आया वही पोयम, वॉटर इज फॉर ड्रिंकिंग. कैसे इसको लिखेंगे आप? वॉटर इज used for drinking, आ रहा है समझ में? इसके अलावा water is for making tea, आप इसको किस तरह से बोलेंगे? अब तो मेरे ख्याल से आपको बनना चाहिए, समझ गए आप लोग. इसको बोलेंगे वॉटर इज यूज्ड फॉर मेकिंग
टी वॉटर इज फॉर क्लीनिंग. बोलिए यूज्ड वाले स्ट्रक्चर में वॉटर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग. ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से? कोई प्रॉब्लम? बुक्स, बुक्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं बताइए? बुक्स का इस्तेमाल पढ़ने के लिए करते हैं. कैसे बोलेंगे? बुक्स आर फॉर रीडिंग. कैसे बोलेंगे इसको? बुक्स आर यूज्ड फॉर रीडिंग. ठीक है, एक बार मेरे साथ इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे फिर हम आएंगे लेट्स डू इट वाली एक्सरसाइज में. चलिए, बुक्स आर फॉर रीडिंग. बुक्स आर फॉर रीडिंग, किताबें पढ़ने के लिए होती हैं. बुक्स आर यूज्ड फॉर रीडिंग, किताबों का उपयोग पढ़ने के लिए किया जाता है. आया समझ में? वॉटर इज फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए होता है. वॉटर इज फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, वॉटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. वॉटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. समझ में आया अच्छे से? वॉटर इज फॉर मेकिंग टी, पानी चाय बनाने के लिए होता है. वॉटर इज यूज्ड फॉर मेकिंग टी. वॉटर इज फॉर क्लीनिंग, पानी सफाई के लिए आता है होता है. वॉटर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग. वॉटर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग, पानी का उपयोग सफाई के लिए क्लीनिंग के लिए किया जाता है. ठीक है, समझ में आया? आपने दो स्ट्रक्चर सीखे. उपयोग करने के लिए हम दोनों तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इस फॉर करके बोले तो भी ठीक है, इज यूज करके बोले तो भी ठीक है. रिटन इंग्लिश में इज यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, आइए लेट्स डू इट वाली एक्सरसाइज. रेडी हैं आप लोग? हम आपको पांच चीजें दे रहे हैं, पांच चीजों के नाम देंगे, आपको उनका यूज बोलना है और स्ट्रक्चर यूज करेंगे इज यूज फॉर, इज यूज फॉर. ठीक है, रेडी? ये पहले आपको लिखना है अपनी कॉपी में, लेट्स डू इट है, फिर लेट्स स्पीक. ओके, पहला है वॉटर. फर्स्ट वॉटर, तो आप कैसे आंसर लिखेंगे अपना? वॉटर इज यूज्ड फॉर, वॉटर इज यूज्ड फॉर. मोबाइल फोन्स और सेल फोन्स किस चीज के लिए होते हैं? आप कुछ भी लिख सकते हैं, टॉकिंग, वॉचिंग मूवी, लिसनिंग सॉन्ग्स, जैसा आप चाहें आप डाल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज मिल्क, दूध. क्या करते हैं उसका इस्तेमाल? पीने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए. आप लिखिए, कोई भी यूज डालिए. फोर्थ वन पेपर, कागज. कागज का इस्तेमाल लिखने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर है तो पढ़ने के लिए करेंगे, प्रिंटिंग के लिए. ठीक है, टेबल्स, लास्ट वन, टेबल्स का इस्तेमाल आप किस चीज के लिए करते हैं? टेबल्स का इस्तेमाल सामान रखने के लिए, टेबल्स का इस्तेमाल कपड़ा आयन करने के लिए करते हैं, तो ये इस तरह से आप टेबल्स का भी इस्तेमाल लिखेंगे. ठीक, इसके बाद हम आते हैं अपने लेट्स स्पीक एक्सरसाइज पे. बना लिया आप लोगों ने? बिना एक दूसरे का झांके हुए आराम से करो, एक दूसरे का देखा नहीं. जो भी टीचर यहां मौजूद है वो थोड़ा इस चीज को ध्यान देंगे कि बच्चे एक दूसरे की कॉपी ना करें. हम लोग लेट्स स्पीक वाले पार्ट पे आ रहे हैं. पहले बच्चे पेयर में आ जाएं, दो दो बच्चे ग्रुप में आ जाएं,
दो दो बच्चों का पैर बना लें जल्दी से. आप लोग अगर वैसे ही बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है. अब करना यह है कि दो बच्चे जो हैं वो अपने बैग से दो चीज निकालिए. ठीक है, अब मान लीजिए राम और श्याम बैठे हैं तो दोनों ही पेंसिल और पेन नहीं निकालेंगे. चारों चीजें जो निकले, चार चीजें, एक पैर में चार चीजें बाहर आएंगी, वो चारों चीजें अलग होनी चाहिए. अगर राम ने पेन पेंसिल निकाली है तो श्याम को कॉपी बुक निकालना है, या इरेजर निकाल सकता है वो, स्केल निकाल सकता है वो, डिवाइडर निकाल सकता है, कोई और खेलने का सामान रखा है तो वो निकाल सकता है, कंपास बॉक्स निकाल सकता है, पेंसिल बॉक्स निकाल सकता है, वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स, कुछ भी, पर अलग चीज है. वो दो बच्चे, जो दो दो बच्चे बैठे हैं, वो चार चीजें जो उनके टेबल पे आएंगी वो अलग अलग हो, एक ही तरह की चीज नहीं निकालेंगे, और उसका यूज अपने दोस्त को बताएंगे. दिस थिंग इज यूज्ड फॉर, ये चीज इस काम के लिए है. समझ में आ गया? इस तरह से आपको चार चीजें, तो एक बच्चे को दो सेंटेंस बोलना है, जो दो चीजें वो निकालेगा उसका यूज बताएगा कि दिस थिंग, ये चीज यूज्ड इज यूज्ड फॉर करके वो अपना सेंटेंस पूरा करेगा. इस तरह से हमारी कक्षा में जितने बच्चे मौजूद हैं वो जब तक दो दो सेंटेंसेस बोल के खत्म नहीं करेंगे इंग्लिश में, तब तक आपकी कक्षा समाप्त नहीं होगी. सो गेट रेडी एंड गेट स्टार्टेड. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.